जिला सोनीपत के उपमंडल खरखोदा के गांव खांडा में बीते मंगलवार सड़क हादसे में एक महिला व उसके मामा की मौत हो गई थी। वहीं उनका 12 वर्षीय बेटा जो उस गाड़ी में साथ बताया जा रहा था, उसकी तलाश आज लगातार चौथे दिन भी जारी रही। ग्रामीणों ने अपने सतर पर नहर में तरुण की तलाश की, लेकिन तरुण का कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं दोपहर में तलाश करने के बाद गांव के मौजूद ग्रामीण व्यक्ति एसडीएम खरखोदा से मिले और मदद की गुहार लगाई। एसडीएम खरखोदा ने मौके पर उच्च अधिकारियों से बात की और कहा कि कल सुबह 7 बजे तक नहर का पानी कम कर दिया जाएगा और तरुण को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मेरा नाम राज सिंह, एक सरपंच खांडा खांडे गांव से हूँ। 26 तारीख को हमारे गांव में ये हादसा हुआ था, उसी जगह हम कोशिश कर रहे थे बच्चा ढूंढने की। क्या कुछ हादसा हुआ था? गाड़ी नहर में पड़ गई थी, जिसमें दो या की मौत हो गई थी। ड्राइवर बच्चे का निकल गया था, बच्चे को कह रहे हैं भाई बात बच्चा बह गया, ड्राइवर ने बताया। पर हमने 4-5 दिन कोशिश कर ली, बच्चा नहीं मिला है। फिर हम हमने सचिव से बात की थी, सचिव के आगे हमने मैडम से चिट्ठी भेजी है, पानी बंद से पुराने यानी कि हमने मैडम शिमले मैडम हमारी बात सुनी, बढ़िया हमारी बात सुनी। मैडम ने एक्शन से बात करी है, एक्शन ने हमारे विश्वास लगा भी अब रात को पानी कम कर दें। सुबह 7 बजे सारी टीम लगेगी, हमारा गाँव लगेगा, हम पौने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपकी क्या मांगे थी? पानी कम होने से हमारे विश्वास है कामयाबी मिल जाए। और एस डी मैडम ने क्या आश्वासन दिया? एस डी मैडम ने हमारे आगे एक्शन से बात करी है, अरे ये आश्वासन दिया कि एक बर्जी पानी मान लो कम हो जाएगा। तो और इसके अलावा मैडम ने बोला था भाई कल सुबह एक बार जाके दोबारा जा सुबह 7 बजे हमारा सारा प्रशासन के तो ये सब को बोल रही है, सब को बोल रही और गांव से भी कहीं गाँव से भी सौ से आदमी बच्चे आए जिसने तैनात था और वह मंगलवार से जो है वो हादसा हुआ से तब से आपके बच्चे का जो है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 26 तारीख को हादसा हुआ था, 4 दिन की बात होली, तब से सभी ग्रामीण और गांव वाले सारे नहर छान ली, पानी बंद नहीं हो रहा है, इसका पानी बंद किया जाए। बच्चे की डेड बॉडी मिलने ली है, वो बोल रहा है बच्चा नहर में गिर गया, लेकिन हमें पता नहीं नहर में गिरा कहाँ गया, लेकिन बच्चा मिल नहीं रहा है। और जैसे प्रशासन ने बोला वैसे हमने किया है, हम चाहते हैं हमारी संतुष्टि तब होगी जब इन नहर का पूरी तरह पानी बंद किया जाए और ये शुरू से लेकर आखिर तक चेक की जाए कि बच्चा नहर में है या नहीं है या कहीं और है, उस बात का पता लगाया जाए। 26 तारीख को घटना हुई थी 3 बजे, जो खांडा गांव का संजय नाम का व्यक्ति था और अपने परिवार के साथ मतलब अपने गाँव के ही एक महिला सुमन उसके मामा जी के साथ भी एक बच्चा तरुण था करीब 12-13 साल का, तो गाड़ी लेके निकले थे और सेंट्रो गाड़ी ने बैलेंस होने के कारण वो नहर में गिर गई थी। जो सुमन और उसके मामा जी की डेथ हो चुकी थी और उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया, जो बच्चा तरुण है उसको अभी तलाश कर रहे हैं, उसकी डेड बॉडी अभी हमें नहीं मिली और शीघ्र इसको तलाश किया जाएगा। और लगातार हमारे गोताखोर वगैरह प्राइवेट भी लगाए हुए हैं, सरकारी हमारे जो हैं वो भी गोताखोर लगे हुए हैं और उसकी तलाश की जा रही है लगातार।